उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी डॉक्टर थावरचंद गहलोत जी, श्री रामदास अठावले जी, श्री कृष्णपाल जी, श्री रतनलाल जी, यूपी के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और प्रयागराज में दूर दूर से पधारे मेरे भाई और बहनों, तीर्थराज प्रयागराज में आकर के हमेशा ही एक अलग पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। मुझे याद है पिछले साल फरवरी में लगभग यही समय था जब मैं कुंभ के दौरान इस पवित्र धरती पर आया था। तब संगम पर स्नान करके और उसके साथ साथ मुझे एक और सौभाग्य भी मिला था, वो सफाई कर्मचारी जो ऐतिहासिक कुंभ की पवित्रता बढ़ा रहे थे और जिनके परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण पूरे विश्व में प्रयागराज के इस कुंभ की स्वच्छता की पूरे दुनिया में चर्चा हुई, पूरे दुनिया में प्रयागराज की एक नई पहचान बनी, कुंभ में एक नई परंपरा नजर आई और उसे सफल करने वाले उन सफाई कर्मचारियों को उनके पैर धोने का, उनके चरण धोने का और मुझे इस महान सिद्धि को पाने वाले उन सफाई कर्मचारियों को नमन करने का अवसर मिला था। अब आज भी कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे आज मां गंगा के किनारे इस पवित्र धरती प्रयागराज में फिर से एक बार प्राप्त हुआ है। आपके प्रधान सेवक के तौर पर मुझे हजारों दिव्यांगजनों और बुजुर्गों, वरिष्ठ जनों की सेवा करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। थोड़ी देर पहले यहां करीब 27,000 साथियों को उपकरण दिए गए हैं। किसी को ट्राइसिकल मिली है, किसी को सुनने की मशीन मिली है, किसी को व्हीलचेयर मिली है। मुझे बताया गया है कि यहां इस सामाजिक अधिकारिता शिविर में अनेक रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में कुछ मदद करेंगे और मैं मानता हूं कि उपकरण आपके बुलंद हौसलों के सहयोगी भर है। आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है, आपका सामर्थ्य है, आपका मानस है। आपने
हर चुनौती को चुनौती दी है। आपने मुश्किलों को मात कर दिया है। आपका जीवन अगर कोई बारीकी से देखे तो हर पल, हर डगर हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं आज आप सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषाः। यानी सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर दिव्यांग जनों की तकलीफों को जिस तरह इस सरकार ने समझा है, उनके लिए जिस संवेदनशीलता से काम किया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। आप भी याद करिए, मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों में हफ्तों तक चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी। आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जिस गंभीरता से सुनी जानी चाहिए थी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। दिव्यांग भाई बहनों को बेसहारा छोड़ देने वाली पहले की स्थिति हमें स्वीकार नहीं थी। हमने आपके साथी बनकर, सेवक बनकर आपकी एक एक दिक्कतों के बारे में सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। साथियों, पहले की सरकारों के समय इस तरह के कैंप बहुत ही कम लगा करते थे और इस तरह के मेगा कैंप तो गिनती के भी शायद नहीं होते थे। बीते 5 साल में हमारी सरकार ने देश के अलग अलग इलाकों में करीब 9000 कैंप लगाए हैं। भाई और बहनों, पिछली सरकार के 5 साल में जहां दिव्यांग जनों को 380 करोड़ से भी कम के उपकरण बांटे गए, वहीं हमारी सरकार ने 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के उपकरण बांटे। यानी करीब करीब 2.5 गुना। जब गरीब के लिए, दिव्यांग के लिए मन में पीड़ा होती है, सेवा का भाव होता है, तब इस तरह की गति आती है, तब इतनी तेजी से काम होता है। साथियों, आप वो समय भी याद करिए
जब सरकारी इमारतों में जाने के लिए बस स्टैंड, अस्पताल, कोर्ट कचहरी हर जगह जाने में आपको दिक्कत होती, कुछ जगहों पर अलग रैंप बन जाता था, बाकी जगहों पर बहुत मुश्किल होती थी। ये हमारी ही सरकार है जिसने सुगम्य भारत अभियान चलाकर देश भर की बड़ी सरकारी इमारतों को दिव्यांगों के लिए सुगम्य बनाने का संकल्प किया। बीते चार पांच वर्षों में देश की सैकड़ों इमारतें, 700 से ज्यादा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाई जा चुकी है। जो बची हुई है उन्हें भी सुगम्य भारत अभियान से जोड़ा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो नई इमारतें बन रही हैं, ये रेलवे के नए कोच हैं, उनमें पहले से ही ध्यान रखा जा रहा है कि वो आपके लिए, दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल हो। भाई और बहनों, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अलग अलग भाषा होने की वजह से भी मेरे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत दिक्कत होती। पहले ये सभी सोचा ही नहीं गया कि दिव्यांगों के लिए भी एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए भी प्रयास हमारी ही सरकार ने शुरू किया। देश भर के सभी दिव्यांगों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो, इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। अभी आज मेरे भाषण के साथ साथ यहां पर मंच पे हमारे दिव्यांग जनों के लिए साइन के द्वारा भाषण बताया जा रहा है। पहले स्थिति यह थी कि एकाध राज्य के बच्चे ये समझ पाते थे, अब ये नई व्यवस्था के कारण तमिलनाडु का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा, कश्मीर का व्यक्ति भी इस लैंग्वेज को समझ पाएगा। अब ये काम भी 70 साल तक करने की किसी को फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब दिव्यांग के प्रति संवेदना हो, हिंदुस्तान के एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और मजबूत करने का इरादा हो, तब जाकर के ऐसे काम होते हैं। और अब इस सेंटर ने करीब 6000 कॉमन शब्दों की एक डिक्शनरी तैयार भी कर ली। यदि आने वाले समय में अगर प्रयागराज से मेरा कोई दिव्यांग साथी अगर चेन्नई में जाएगा या पश्चिम बंगाल जाएगा तो उसको भाषा की उतनी परेशानी नहीं होगी। यही नहीं, करीब 400 से अधिक सरकारी वेबसाइट्स को और हमारी जो करेंसी है, सिक्का हो या हमारी नोट हो, उसको भी हमारे दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया गया है। वो आसानी से तय कर सकता है, 1 रुपए की नोट है, 5 रुपए की नोट है, 500 की नोट है, 200 की नोट है, वो आराम से तय कर सकता है। सिक्के का विषय में भी उसको हाथ लगा करके ही वो तय कर सकता है कि सिक्का कौन सा है। और अब तो आप भी देख रहे होंगे कि प्राइवेट टीवी चैनल भी दिव्यांगों के हिसाब से खबरें दिखाने लगे हैं, कार्यक्रम दिखाने लगे हैं। मैं इन सभी टीवी चैनलों को, जिन्होंने हमारे दिव्यांग जनों के लिए ये समाचार सुविधा की है, उनको बधाई देता हूं। दूरदर्शन के लोग
अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांगजनों की चिंता की है। लेकिन अब देश की कई टीवी चैनल दिव्यांगजनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेजिक के द्वारा खबरें दिखाने के दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चैनल भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया है, फैसले लिए हैं, उसकी चर्चा जितनी होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से ऐसे विषयों पर लोगों का ध्यान कम जाता है। प्रयागराज तो इंसाफ की भी नगरी है, न्याय की नगरी है, सामान्य जन के अधिकारों की रक्षा के लिए हजारों लोग यहां दिन रात काम करते हैं। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने पहली बार दिव्यांग जनों के अधिकारों को स्पष्ट करने वाला कानून लागू किया। इस कानून का एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि पहले दिव्यांगों की जो 7 अलग अलग तरह की कैटेगरी होती थी, उसे बढ़ाकर अब 21 कैटेगरी कर दिया गया। इतना उसका विस्तार किया गया, यानी हमने इसका दायरा बढ़ा दिया। इसके अलावा दिव्यांगों पर अगर कोई अत्याचार करता है, कोई मजाक उड़ाता है, उन्हें परेशान करता है, तो इससे जुड़े नियमों को भी सख्त किया गया। साथियों, ये भी हमारी ही सरकार ने, जिसने न सिर्फ दिव्यांगों की नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए, बल्कि सरकारी नौकरियों में उनका आरक्षण बढ़ाकर दिव्यांगजनों के लिए 3% से बढ़ा करके अब 4% कर दिया। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए भी उनका आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। अपने दिव्यांग साथियों का कौशल विकास भी हमारी प्राथमिकता रही है। सरकार ने 2,00,000 साथियों को स्किल ट्रेनिंग दी है और अब 5,00,000 दिव्यांग साथियों को स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। भाइयों और बहनों, नए भारत के निर्माण में हर दिव्यांग युवा, दिव्यांग बच्चे की उचित भागीदारी बहुत आवश्यक है। चाहे वो उद्योग हो, सेवा का क्षेत्र हो या फिर खेल का मैदान, दिव्यांगों के कौशल को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी दिव्यांगों से जुड़ी खेल स्पर्धाएं हुई हैं, उनमें भारत का प्रदर्शन, हमारे दिव्यांग साथियों ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। आप कल्पना कर सकते कितनी बड़ी मजबूत संकल्प शक्ति होगी, तब जाके दुनिया के मैदान में भी मेरे देश के दिव्यांगजन भारत का तिरंगा फहरा करके आते हैं। दिव्यांगों के इस कौशल को और निखारने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्पोर्ट सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस सेंटर में ट्रेनिंग, सिलेक्शन, पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, मेडिकल सुविधाएं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जो भी तैयारियां चाहिए,
उनकी सुविधा हमारे दिव्यांगजनों को यहां दी जाएगी। साथियों, हमारे देश में 2.5 करोड़ से अधिक दिव्यांग है तो 10 करोड़ से अधिक सीनियर सिटीजन, हमारे वरिष्ठ नागरिक भी है। एक आयु के बाद सुविधा के अनेक उपकरणों की जरूरत हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों को होती है, हमारे सीनियर सिटीजन्स को होती है। किसी को चलने में दिक्कत, किसी को सुनने में दिक्कत, सीनियर सिटीजन्स के जीवन से इस परेशानी को कम करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गरीब वरिष्ठ नागरिकों को भी जरूरी उपकरण मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने 3 साल पहले राष्ट्रीय वयोश्री योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना इसकी शुरुआत की। इस योजना के तहत करीब 1.25 लाख सीनियर सिटीजन्स को जरूरी उपकरण दिए जा चुके हैं। वयोश्री योजना के तहत आज यहां भी अनेक हमारे सीनियर सिटीजन को, बुजुर्गों को उपकरण देने का सौभाग्य और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य आज इस पवित्र नगरी में मुझे मिला है। भाइयों और बहनों, 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर एक निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी शुरू की। इसका मकसद यही था कि अगर बाजार में ब्याज दरें कम हो जाए तो इसका प्रभाव उन पर कम से कम पड़े। आप में से अनेक लोग ये जानते हैं कि मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटी शुदा पेंशन मिलती है। मैं आज यहां पर एक और बात भी आपको बताना चाहूंगा। सामान्य रूप से हमारे सीनियर सिटीजन या जिनको पेंशन मिलती है ऐसे नागरिक सैलरी क्लास रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद उसके ब्याज से अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन कभी कभी बैंकों में संकट आ जाता है, बैंक डूब जाती है, कुछ कारोबारी धोखा कर देते हैं और कभी कभी हमारे इन सीनियर सिटीजन्स के मेहनत की कमाई के पैसे डूब जाते हैं। इस बार पार्लियामेंट में गरीबों की चिंता करने वाली, बुजुर्गों की चिंता करने वाली, सीमित आय में जीवन गुजारने करने वाले मेरे देश के भाइयों बहनों के लिए हमने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुत लोग ऐसी बातों की चर्चा न हो इसके लिए बड़े सजग रहते हैं। इतना बड़ा निर्णय किया है जिसकी मांग सालों से होती थी। पहले अगर बैंक में आपके 10 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, अगर बैंक डूब गई तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलता। हमने नियम बदल दिया और अब 1 लाख की जगह पे 5 लाख कर दिया। इसका मतलब हुआ कि करीब करीब 99% जिनके पैसे बैंकों में होते हैं वो सुरक्षित हो गए, अब उनके प्रति कोई संकट नहीं आएगा। ये काम इस बजट में हमने कर दिया है और इसके कारण
बैंकों के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इसके कारण सामान्य व्यक्ति अपने पैसे कहीं साहूकार के यहां रखने के बजाय बैंक में रखने के लिए आगे आएगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कदम हैं। उसी प्रकार से पेंशन के विषय में, इंश्योरेंस के विषय में, पहले पॉलिसी बहुत कम अवधि के लिए खुलती थी, लेकिन 2018 में इसको 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया। सिर्फ अवधि नहीं बढ़ाई बल्कि मासिक पेंशन को भी 10,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। मुझे संतोष है कि आज इस योजना का लाभ 3.25 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन उठा रहे हैं। साथियों, परिवार के साथ साथ बुजुर्गों का ध्यान रखने का दायित्व समाज का भी है, सरकार का भी है। इसी दायित्व बोध को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, योगी जी की सरकार काम कर रही है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और देश को आगे बढ़ाने में लगाया है, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। बीते कुछ समय में सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जो अन्य योजनाएं शुरू की हैं, उनसे भी उन्हें लाभ हो रहा है। बीते 5-5.5 वर्षों में वरिष्ठ जनों का इलाज का खर्च पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ। जन औषधि केंद्रों में तमाम दवाइयों की कीमत बहुत कम हुई है। वहीं हार्ट, स्टेंट और घुटनों के ऑपरेशन से जुड़ा सामान 70-80% तक सस्ता किया गया है। सीनियर सिटीजन्स को टैक्स से लेकर दूसरे निवेश तक में हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार करीब करीब हर गरीब के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक हो या फिर मेरे किसान, मेरे खेत मजदूर, मेरे छोटे व्यापारी हो या छोटे दुकानदार, सभी के लिए सरकार ने अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की। इसका बहुत बड़ा लाभ गरीबों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद भी मिलेगा। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बीमा योजनाएं, उनका भी लाभ गरीबों को, दिव्यांगजनों को, सीनियर सिटीजन्स को अलग से हो रहा है। गरीब से गरीब देशवासी भी बीमा की सुविधा से जुड़े, इसके लिए 2-2 लाख रुपए के बीमा की 2 योजनाएं चल रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1 रुपया प्रति महीना, यानी महीना का सिर्फ 1 रुपया, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 1 दिन का 90 पैसा, उतने कम प्रीमियम उनका इंश्योरेंस निकाला जा रहा है। अभी तक 24 करोड़ से ज्यादा हमारे साथी इन दोनों योजनाओं से जुड़ चुके हैं और मुश्किल समय में उन्हें 4,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भी इन परिवारों तक पहुंच चुका है। साथियों, आपसे बात करते हुए शुरुआत में मैंने एक श्लोक का जिक्र किया था जिसमें शासन के दायित्वों की बात की थी। उसी मंत्र का आखिरी हिस्सा है, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, यानी जगत के अंदर
समाज के हर वर्ग, हर नागरिक, हर कोई सुखी हो, इसी कामना के साथ मैं फिर एक बार सभी सीनियर सिटीजन को प्रणाम करते हुए, सभी दिव्यांग जनों के संकल्प शक्ति को नमन करते हुए इस महान पवित्र अवसर को, मेरे लिए ये दिव्यांग जनों का कुंभ भी बहुत पवित्र है, सेवा भाव से भरा हुआ है। इन सब इस अवसर पर मैं भारत सरकार के इस विभाग को भी, राज्य सरकार के प्रयासों को भी बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से याद करते हुए, आप सबको नमन करते हुए, अनेक अनेक शुभकामनाएं देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।